मैं आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा मिस फर्की। अरेस्ट करो इनको। अरे आप, इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला और मैंने फेक पेपर्स दिए, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यकीन कीजिए असली पेपर्स भी हैं। अगर असली हैं तो नकली कागजात क्यों दिए? अरे असली देती ना। चलो इन्हें। आपका गलत फहमी हुई है, जोया ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो तो गनीमत है कि अभी सिर्फ हथकड़ी लग रही है, कायदे से तो इस लड़की को फांसी लगनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरी मासूम सी फूल जैसी बच्ची को जहर तक दिया है। जोया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वाह 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 वाह, इसके हक में तुम नहीं बोलोगी तो फिर और कौन बोलेगा? चोर का गवाह पॉकेट मार। तुम इसे बात करो रजिया। बड़ी बी, आपका दिल बड़ा जल रहा है अपनी पुरानी बहू के लिए। कभी शिरीन के लिए भी सोचा है आपने? उसके लिए भी सोच लिया कीजिए। बात को मत घुमाओ, इस वक्त सवाल जोया का है। उस सवाल का जवाब पुलिस दे चुकी है। जोया सच कह रही है, राशिद ने कागजात बनाए हैं। अच्छा, आपको कैसे पता ये बात? शिरीन बिल्कुल सही कहती थी, आप अपने बेटे की जायज बीवी की तरफ नहीं, उसकी छोड़ी हुई बीवी की तरफ है। हम सिर्फ सच के साथ हैं, और सच ये है कि जोया और दिलशाद सच कह रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातें मत सुनिए, ये सब के सब मिले हुए हैं, ये सब मिलकर हमारे बिजनेस और घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इनकी किसी बात पर यकीन मत करिए, अभी इसी वक्त लेकर जाइए इसे। शर्म कीजिए रजिया बी। और आप सिद्दीकी साहब, आप इन तमाम इल्जामात में इनका साथ दे रहे हैं? इल्जाम अगर झूठा होता तो हम लगाते ही नहीं दिलशाद। जोया ने अपनी जुबान से खुद कबूल किया है कि कागजात फर्जी थे, पूछ लो इससे। लेकिन असली पेपर्स हैं। अगर हैं तो दिखाओ ना, हजार बार सुन चुके हैं हम। देखिए, असली पेपर्स हैं, पुपी ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है। हम वो पेपर्स आपको दिखा देंगे। क्या हमें थोड़े और वक्त की मोहलत नहीं मिल सकती? जी, मक्कारों को सजा दी जाती है, मोहलत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए आप इसे, इसी वक्त लेके जाइए। ले जाइए इस लड़की को। ले चलो इन्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात। अब मैं क्या करूं? मुझे असद को फोन करना होगा, अब वही कुछ कर सकता है।
अल्लाह, ये पेपर्स तो असली। पुप्पी, पुप्पी जल्दी आइए, देखिए असली पेपर्स मिल गए। ये असली पेपर्स है पुप्पी, ये देखिए पुप्पी। इन लोगों ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बाजी प्लीज, जो हुआ सो हुआ, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और वो फरहान को भी पसंद नहीं कि समीरा का कोई भी जिक्र हो। निखत, पर ये लड़की तो क्या हुआ बाजी? इस लड़की को मैंने कल हमारे घर में देखा। क्या? हाँ, ये हमारे घर में थी। निखत, क्या हुआ? बाजी, अम्मी के मुताबिक समीरा मर चुकी है। इन पेपर्स पे सिग्नेचर्स भी हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये असली पेपर्स हैं, देखिए। अरे, अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया है तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों में मत आइए। मैं कह रही हूँ आप इसे मत छोड़िए, वरना ये भाग जाएगी। आप एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। ये क्या बकवास है? अब जेल जाने की नौबत आई तो यकायक असली कागजात कहाँ से आ गए? जहाँ से मर्जी आए हो सिद्दीकी साहब, पॉइंट ये है कि आ गए, और वो पेपर्स इस वक्त इंस्पेक्टर साहब के हाथ में। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद पेपर्स चेक कर लीजिए। ये ओरिजिनल पेपर्स हैं और इन पे मिस्टर राशिद अहमद खान के सिग्नेचर्स भी हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इनकी चाल है, सब इनकी चाल है। इस तरह से असली कागजात हवा से कैसे पैदा हो सकते हैं? आप इसे छोड़िए मत, इसे इसी वक्त लेकर जाइए। देखिए, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, मुझे पेपर्स चेक करना पड़ेगा। बात आप ना, अब अम्मी को भी बताएगी ये बात। बताइए अम्मी को कि आपने भी समीरा को इस घर में देखा है। बाजी, बताइए जो आपने मुझे अंदर बताया है, अम्मी को बताइए। हाँ अम्मी, मैंने भी एक औरत को देखा था हमारे घर में, जो बिल्कुल ऐसे ही थी। ऐसी थी? पर ये तो नहीं है ना। अरे, दुनिया में कई लोगों की शक्लें मिलती जुलती होती है, धोखा हो जाता है। देखो निखत, तुम्हारा खुद का तो दिमाग खराब है, दूसरों का दिमाग खराब मत करो। अम्मी, मैं तो चुप रहो। अरे, कुछ नहीं देखा नजमा ने? हाँ नजमा बेटा, ऐसी वायाद बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, और खास तौर से इस निखत की बातों पर। लेकिन अम्मी, मैंने बाजी से कुछ भी नहीं कहा है। बाजी, आप खुद कमरे में आके मुझसे बात कर रही थी ना, आप ही ने मुझे बताया ना। बोलिए बाजी, बताइए। हाँ निखत, पर हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो। हाँ बिल्कुल ठीक। अरे, समझदार आदमी मान लेता है कि धोखा हो गया, मगर कोई पागल ही होता है जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है। बाजी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर यही बात है तो सेम शक्ल वाली दूसरी औरत कौन थी? फरहान भाईजान ने कहा था कि घर में कोई औरतें आई थी चंदा मांगने के लिए, हो सकता है उनमें से कोई एक हो। I'm so sorry निखत, मुझसे गलती हो गई, वो समीरा नहीं हो सकती, कोई और होगी। I'm so sorry, चलें। हाँ जी निखत, चलो।
एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। चल चल। ये कागजात असली है। मिस पार्की, अब ये प्रूफ हो गया है कि आधा घर और आधा बिजनेस असद अहमद खान का है, फिर आपको रिस्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके, चलिए। चाय से शुरू हुआ था, चाय पे ही खत्म होना चाहिए। नहीं, आपसे बात कर रही हूं मैं। क्या हुआ, सुनने देखने और समझने की कुव्वत खत्म हो गई क्या? पांच मिनट के अंदर अंदर चाय बनाकर दादी को दीजिए। जाइए, टाइम शुरू हो गया आपका। कितनी देर कर दी तुमने, हमें लगा तुम आओगी ही नहीं। अच्छा सुनो, मैंने ना कैंप के लिए स्पेशल शॉपिंग किया है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। हुनरा जी, आई थिंक आई शुड लीव, योर बैग। थैंक यू। हैदर जी, यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। Bye, girls. Bye. चले? Yeah, चल। हुनेरा जी मुझे इसलिए यहां तक लाई थी, मुझे तो लगा था कि वो कुछ प्लान कर रही हैं, पर ये तो मुझे जाने को कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैदर साहब, आपके लिए जो मैंने एक जाल बिछाया है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो बस प्लान की शुरुआत है, अभी तो आपके साथ बहुत कुछ होना बाकी है। अब सबको तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्या? इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। क्या बेटा, किसकी रिपोर्ट? नजमा की अम्मी। नजमा की? आप दादी बनने वाली हो? सच? अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है, एक अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे तो कान ही तरस गए थे। और एक तुम हो,
वही राग अलापे हुए हो। अरे तुम्हें पता है नजमा को ऐसी हालत पे जरा भी परेशानी नहीं उठानी चाहिए, और एक तुम महान हो पूरे घर को परेशान कर रही हो। अम्मी निखत अब से ऐसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां भी इस पर आ रही है ना, है ना? हाँ पाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। थैंक्स निखत। दोनों बहनों का प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। अगर इन दोनों बहनों को खून के आंसू ना रुलाए ना, मेरा नाम भी हसीना नहीं। अब मैं निखत को पागल साबित करूंगी। देखती हूँ ये नजमा कब तक इसका साथ देती है। सदीकी साहब अपने कमरे में? जी। आराम कर रहे हैं, मसरूफ हैं? जी, वो कुछ फाइल्स देख रहे हैं। ठीक है, जाओ। So, what's up, मुवाली? क्या? कुछ नहीं, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ इतना मतलब है मुमानी कि आज आपके शैतानी दिमाग में कौन सी नई चाल का ताना बाना बुना जा रहा है। बात करने की तमीज नहीं है क्या? और एक बात सुन लो, अगर मुझसे बात करनी है तो पहले जाकर बात करने का सलीका सीखो। आई टेल यू मुमानी, मैं सच में बात करने का सलीका सीख जाती, प्रॉमिस। पर क्या करूं, आपकी संगत में रहती हूं, बुरी आदतें ही तो सीखूंगी। संभाल कर रहे, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुमानी, फिलहाल जरा आप संभल कर चलिएगा, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रही है ना, किसी भी वक्त फिसल सकती। मुझे धमकी दे रही है? हाँ, तू मुझे गिराएगी? गिरा कर दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं कैसे तू मुझे। मेरा वो मतलब नहीं है मुमानी। मैं ओहो, उफ, कहा था ना देख कर चलिएगा। वैसे ओवर स्मार्ट लोगों के साथ ना यही होता है, दूसरों के लिए चाल बुनते बुनते वो ये बात भूल ही जाते हैं कि खुद के साथ भी ऐसा हो सकता है। हट। अब देखिए ना, आपके साथ भी यही हो रहा है। दूसरों के लिए जाल बुनते बुनते आप ये बात तो भूल ही गई कि उसका एक झटका लगेगा और आपका सारा खेल खत्म, और ये कहीं भी कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। वैसे आपको एक बात बताऊं मुमाने, मैं जानती हूं आपको हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए, इस बार आपका मुकाबला ज़ोया फारूकी के साथ है, और हारना तो मैंने भी नहीं सीखा। अब जरा देख के चलिएगा, क्या है ना, इस उम्र में अगर चोट लग जाती है ना तो जल्दी ठीक नहीं होती। तू मुझसे मुकाबला करेगी? अगर मैंने भी तेरे पैरों तले जमीन न खिसका दी ना, तो मेरा नाम रसिया नहीं,